दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल गाइड जी में। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू यूज ओपन कैमरा ऐप, यानी कि ओपन कैमरा ऐप को इस्तेमाल करने के लिए बेस्ट सेटिंग्स क्या होनी चाहिए ताकि आप एक्सीलेंट क्वालिटी के वीडियोस रिकॉर्ड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टेक ज्ञान। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने एंड्रॉइड फोन के स्क्रीन पे। यहाँ आप देख सकते हैं यह है ओपन कैमरा ऐप और यह है आपके स्मार्टफोन के साथ मिलने वाला डिफॉल्ट कैमरा ऐप। इस ऐप का इस्तेमाल न करें क्योंकि इसमें उतने फीचर्स नहीं हैं जितने कि इस ओपन कैमरा ऐप में हैं। इसके अलावा अगर आप वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं एक्सटर्नल माइक के द्वारा तो इस डिफॉल्ट कैमरा से वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी, उसके लिए आपको ये ओपन कैमरा ऐप ही इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस ओपन कैमरा ऐप को खोल लेते हैं। दोस्तों ओपन कैमरा ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले हम इस सेटिंग को देखते हैं। ये जो पहली सेटिंग आप देख रहे हैं ये एक्सपोजर के लिए है। तो सबसे पहले हम इस सेटिंग को खोलते हैं। यहां आप देखिए ये जो है सेटिंग ये एक्सपोजर के लिए है। यहां से आपको जितनी ब्राइटनेस चाहिए उतनी कम या ज्यादा कर सकते हैं और एक बार जितनी आपको ब्राइटनेस चाहिए उतनी ब्राइटनेस आपको मिल जाए तो इसे वहां छोड़कर इसे हम यहां से इस ऑप्शन से ये जो ताला बना हुआ है यहां से हम इसे लॉक कर देंगे। इसे मैंने लॉक कर दिया। अब हम चलते हैं इस सेटिंग पे और देखते हैं क्या है यहां। दोस्तों यहां आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। ये जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं ये है आपके स्मार्टफोन का लाइट या टॉर्च ऑन या ऑफ करने के लिए। मैं इसे ऑन करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए मैंने इसे ऑन कर दिया। अगर आपको लगता है कि आपको लाइट की जरूरत है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं या फिर अगर आपकी लाइट ठीक है तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहां आपको मिलेगा आपने जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जो भी सेटिंग्स किया है उसके सारी डिटेल्स यहां पे मिलेंगे। कुछ अलग अलग व्हाइट बैलेंस के ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि ऑटो, इंसिडेंट, फ्लोरोसेंट, वार्म, डेलाइट वगैरह। इसे मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। ये कुछ इस तरह का मिलेगा आपको लाइट, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का, डेलाइट, क्लाउड, टी लाइट, शेड। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑटो पे ही रखें। इसके बाद हम देखते हैं इस सेटिंग पे जो है सीन मोड, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें भी आपको देखिए अलग अलग सीन मोड मिलेंगे। इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑटो ही रखें। फिर भी मैं दूसरे जो ऑप्शन है वो मैं दिखा देता हूं। ये कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा आपको, लैंडस्केप, बीच, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे ऑटो पर ही रखें। इसके बाद आप देखिए नीचे आपको मिलता है कुछ कलर इफेक्ट्स जैसे कि मोनो, नेगेटिव्स। अभी देखिए मोनो में करके देखते हैं तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। इसके अलावा नेगेटिव में कुछ इस तरह का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सोलराइज, सेफिया, व्हाइट बोर्ड, स्केच, तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टैंडर्ड वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आप इसे नन पे ही रखें। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके मेन जो सेटिंग है ओपन कैमरा ऐप की, उसमें मेन सेटिंग आपको यहां मिलेगा, ये देखिए। तो अब हम इस पे चल के देखते हैं।
तो दोस्तों ये है ओपन कैमरा ऐप का मेन सेटिंग्स, जहां पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है फेस डिटेक्शन या फोकस एरिया, ये जो आप देख रहे हैं इसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफ ही रखें। दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन है टाइमर, यहां आप फोटो और वीडियो दोनों के लिए टाइमर सेट कर देते हैं, कर सकते हैं, जैसे कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, आप जितने भी सेकेंड्स यहां पे चुनेंगे उतने सेकेंड्स बाद वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी या उतने सेकेंड बाद वो वीडियो लेगा। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप अकेले वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या अकेले फोटो अपना लेना चाहते हैं। तो यहां मैंने 10 सेकेंड लगाया हुआ है क्योंकि मैं खुद ही अकेले वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूं और कैमरा ऑन करके मैं 10 सेकेंड बाद अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता हूं और 10 सेकेंड बाद ये खुद ही वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। 1 सेकेंड पहले आपको एक आवाज आएगी जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा ये बर्स्ट मोड जो है ये फोटो के लिए है, तो क्योंकि इस वीडियो में हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं तो इसे हम नहीं देखेंगे। इसके अलावा बर्स्ट मोड इंटरवल भी ये फोटो के लिए है। इसके अलावा मोर कैमरा ऑप्शंस में जाएं तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। यहां जो सबसे मेन ऑप्शन है वो है लॉक फोटो एंड वीडियो ओरिएंटेशन, ये ऑप्शन। दोस्तों इसे ओपन करने के बाद आपको इस तरह का कुछ ऑप्शन मिलेगा, नो लॉक, लॉक टू लैंडस्केप, लॉक टू पोर्ट्रेट। अगर आप लैंडस्केप मोड में वीडियो या फोटो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो लैंडस्केप सेलेक्ट कर लीजिए या फिर पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो। तो मैंने यहां पे लैंडस्केप सेलेक्ट किया हुआ है। यहां से आप फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं कहां आपको वीडियो सेव करनी है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे ऑप्शंस हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद ऑप्शन आता है ऑन स्क्रीन GUI, यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी स्क्रीन पे जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से इंटरफेस देखना है अपनी स्क्रीन पे, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जूम, प्लस माइनस, बैटरी, टाइम, ग्रिड वगैरह। तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम आते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के मेन सेटिंग्स पे, जो कुछ इस तरह का है। पहले बात करते हैं वीडियो रिजोल्यूशन की। इसमें कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा। आपका स्मार्टफोन जितना हाईएस्ट रिजोल्यूशन हो आप उतना सेलेक्ट करें, जैसे कि मैंने यहां पे सेलेक्ट किया हुआ है HD क्वालिटी 1280x720। इससे मुझे HD क्वालिटी के वीडियोस रिकॉर्डिंग करने में मदद मिलती है, तो मैंने इसे चुना हुआ है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं वीडियो बिट रेट को। ये बिट रेट डिसाइड करता है कि आपके वीडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। जितना ज्यादा बिट रेट होगा आपके वीडियो की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन वो ज्यादा स्पेस भी लेगा। इसलिए मैं सेलेक्ट करूंगा कि इसे आप डिफॉल्ट पे रखें, ताकि ये आपके आपका स्मार्टफोन का हार्डवेयर जितना सपोर्ट करता है उतना ये ले लेंगे। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं वीडियो फ्रेम रेट। दोस्तों फ्रेम रेट का मतलब होता है कि पर सेकंड में कितने फ्रेम्स या कितने इमेजेस रिकॉर्ड होंगे। ये भी डिपेंड करता है आपके स्मार्टफोन के हार्डवेयर पे कि वो कितना फ्रेम रेट सपोर्ट करता है। अगर आप ज्यादा फ्रेम रेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्डिंग करने में मदद मिलेगी, लेकिन जनरली जो जनरल स्मार्टफोन्स होते हैं वो 25 से 30 के बीच आपको रखना चाहिए फ्रेम रेट, जिससे आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के वीडियोस रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। तो मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं 30। इसके बाद यहां आप देखें कुछ ऑप्शन है मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ वीडियो,
3 सेकंड, 5 सेकंड, इतने मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, आपको जितने सेलेक्ट करनी हो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अनलिमिटेड ही सेलेक्ट करें ताकि वीडियो बीच में रुक ना जाए। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा मैक्सिमम फाइल साइज, इसे आप डिवाइस का डिफॉल्ट ही रखें। ऑडियो रिकॉर्ड, इस ऑप्शन को देखते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड या ऑडियो सोर्स। दोस्तों अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज कर रहे हैं तो इस दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए जहां लिखा हुआ एक्सटर्नल माइक इफ प्रेजेंट, और अगर आप डिफॉल्ट ऑडियो सोर्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट ऑडियो सोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि मैं एक्सटर्नल माइक लगाकर इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं एक्सटर्नल माइक सेलेक्ट कर लेता हूं। दोस्तों इसके अलावा ये ऑप्शन है वीडियो सबटाइटल, यहां पे वीडियो सबटाइटल, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि वीडियो सबटाइटल्स रिकॉर्ड करने हैं या नहीं। अगर आप रिकॉर्ड सबटाइटल्स करते हैं तो आप वीडियो के का डेट और जीपीएस डिटेल्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि अलग से फाइल सेव होगा और वीडियो प्ले होते समय वो वहां दिखाएगा। दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा हाउ टू यूज ओपन कैमरा ऐप और बेस्ट सेटिंग्स फॉर ओपन कैमरा ऐप टू रिकॉर्ड एक्सीलेंट क्वालिटी वीडियोस। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।